नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। आप पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे खड़ा है महिंद्रा अर्जुन नोवा फोर व्हील ड्राइव। इसमें हमने लगाया सिंगल पिन ग्रेडर अटैचमेंट। तो आप हमारे साथ हैं दुष्यंत जैन जी, इस कंपनी के ओनर हैं। आप हमें इसके बारे में पूरा ब्रीफ करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए हम जानते हैं दुष्यंत जी से क्या क्या खासियतें हैं और क्यों ये उपयोगी है कंस्ट्रक्शन के मामले में, रोड मेकिंग में क्यों ये बेस्ट मशीन है, जानेंगे हम दुष्यंत जी से। नमस्कार, मैं दुष्यंत जैन हूँ और मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ अशोक मेटल वर्क्स का। और हमने ये ग्रेटर अटैचमेंट बनाया है महिंद्रा नोवो 605 ट्रैक्टर के लिए। ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, 57 HP रेंज में है और इसमें और भी बड़े ट्रैक्टर आते हैं 65 HP एंड 75 HP। ये अपन ने 57 HP के लिए ग्रेडर डेवलप किया है। ये सिंगल पिन माउंटेड है, इसके लिए अपन ने पहले एक हिच असेंबली लगाई हुई है, ये आप देख रहे हैं ट्रैक्टर में। फिर इधर पर इस पिन के माध्यम से अपन ने इस ग्रेडर को इससे ज्वाइन कर दिया है। ये ग्रेडर आप रोड वर्क के करीबन करीबन सारे काम करता है जो बड़े ग्रेडर करता है, पर थोड़ा धीरे करता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें करीबन 200 हॉर्स पावर के इंजन होते हैं। और ये अपन ने एक 57 HP के प्राइम मूवर पर अपन ने इसको बनाया है। ये रोड वर्क के सारे काम करेगा, जैसे कैम्बर मेकिंग, साइड फिलिंग, मटेरियल लेइंग, ये सारे काम ये कर लेता है अच्छी तरह से। इसमें ऑपरेटर का स्किल होना बहुत जरूरी है। इसमें फिर अपन इससे इस मशीन के बारे में आपको आगे से इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये इसमें हमने डोजर असेंबली लगाई हुई है, ये डोजिंग वर्क करता है और इसका मोस्टली जो मटेरियल की ऊंची हीप होती है ट्रक के द्वारा गिराई हुई, उसको ऊपर से तोड़ने के काम आते हैं और क्लीनिंग वर्क, साइट क्लीनिंग में भी ये उपयोग आता है। फिर इसके बाद अपन आते हैं इस ग्रेडिंग ब्लेड पर, जो कि मोस्ट ऑफ दी सारे ऑपरेशन जो रोड मेकिंग में है वो इससे पूरे किए जाते हैं। इसमें ये रोटेटिंग टेबल है, रोटेटिंग टेबल पर ये अटैच की जाती है नीचे। ये रोटेटिंग टेबल को अपन इन सिलेंडर्स के माध्यम से पूरा रोटेट कर सकते हैं इनको। और फिर इसके बाद ये दो वर्टिकल सिलेंडर्स हैं, इससे अपन कैम्बर मेकिंग का काम करते हैं, जिसमें ब्लेड को एक पर्टिकुलर एंगल पर फिक्स कर अपन रोड में कैम्बर दे सकते हैं। और दूसरा तीसरा नंबर ये फिर अपन ने स्लाइडिंग सिलेंडर लगाया है इसको, ये इसके 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 द्वारा अपन ग्रेडिंग ब्लेड को एक साइड शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर ये साइड शिफ्टिंग सिलेंडर है, ये भी ब्लेड को एक साइड शिफ्ट करने काम आते हैं। ऐसे मटेरियल जब अपन साइड में साइड फिलिंग करते हैं मटेरियल से, तब ये दोनों ऑपरेशन बहुत काम आते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हमने कि शेयर एंगल एडजस्टमेंट के लिए अपन ने ब्लेड टिल्टिंग सिलेंडर लगाया है, इससे अपन ग्रेडिंग ब्लेड का शेयर एंगल है, ज़मीन पर कट लेने का एंगल बोलते हैं जिसको, वो शेयर एंगल को अपन इससे एडजस्ट कर सकते हैं कि कब अपने को कट लेना है और कब नहीं लेना है, जिससे अपनी डीजल सेविंग होती है और मेंटेनेंस पर कम निकलता है ट्रैक्टर में सर। और इसके बाद ये अपन ने पावर स्ट्रिंग का जो ट्रैक्टर का स्टेयरिंग व्हील है, उससे अपन इसके अगले टायरों को अटैच कर दिया है। और ये बीच वाले टायरों के लिए जो ट्रैक्टर के टायर्स आते हैं, ट्रैक्टर के टायर्स फ्रंट व्हील कहलाते हैं, उनके लिए अपन ने एक अलग से कंट्रोल लीवर लगा दिया है, जिससे अपन इसको टर्न कर सकते हैं। शार्ट टर्निंग के केस में अपने को ये टायर भी टर्न करने पड़ते हैं, वैसे रोड वर्क में नहीं करने पड़ते, पर जैसे कभी शार्ट टर्न लेना है, अपने को रोड पर मुड़ना है, तो अपने को अगले व्हील के साथ इनको भी टर्न करना पड़ता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिंगल पिन ग्रेडर है, इसमें बहुत सारे एडवांटेज रहते हैं। इसमें सबसे पहला एडवांटेज है कि सिंगल पिन ग्रेडर में ट्रैक्टर के चारों पहिए प्रॉपर ताकत लगा पाते हैं। और दूसरा, अपन जो सीट पर बैठने के बाद ऑपरेटर को ग्रेडिंग ब्लेड की विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर रहती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑपरेटर ये जो कैमरामैन है वो सीट के पास में है और वहाँ से वो आपको बताएगा कि सीट पर बैठने के बाद बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर रहती है ग्रेडिंग ब्लेड की, जिसमें रोड बनाने में ऑपरेटर को सारे ऑपरेशंस क्लियर दिखते हैं, कितना कैम्बर लेना है, कितना कट लेना है, वो इजीली देख सकता है सीट पर बैठे बैठे। और इसको जब आपका काम हो जाए, अपने को ट्रैक्टर का ग्रेडर का काफ़ी दिन तक काम नहीं है, जिसको आप इजीली डिटैच कर सकते हैं, इसके लिए हम एक स्टैंड प्रोवाइड करते हैं, जिसे अपन यहाँ से ज्वाइन कर इधर से पिन निकाल लेंगे। और ये पूरी असेंबली को डिटैच करने के लिए आपको सारे पाइप्स नहीं खोलने हैं, आपको पहले एक ये बोल्ट दिया हुआ है इसको खोलना है और ये दो बोल्ट इधर से खोलना है, ये दिख रहे हैं, इन दो बोल्टों को खोलेंगे और इन दो पाइपों को अलग करेंगे, एक ये और एक ये, इनको अलग करके इस सारी असेंबली को उठाकर इधर रख देंगे और इसी तरह उस साइड की असेंबली रख देंगे और अपने पावर स्ट्रिंग के सिलेंडर पावर स्ट्रिंग के कनेक्शन खोल लेंगे अपन।
इधर से पावर स्ट्रिंग के कनेक्शन खोलकर ट्रैक्टर की ज्वाइन कर देंगे। बस इस तरह अपना ग्रेडर डिटैच हो जाएगा और अटैच करने के लिए उसको वापस से उसी तरह लगा देंगे। ये सारा काम मैं समझता हूँ आराम से 20-25 मिनट में कोई भी समझदार आदमी कर सकता है। इसके बाद अभी हम और भी मशीनें डेवलप कर रहे हैं जो कि विनोद जी के माध्यम से हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे श्रीमान दुष्यंत जैन जी जो कि इस कंपनी के ओनर हैं और सारी की सारी जानकारी जो है उन्होंने हमें दी और संपर्क डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट में ही मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। तो जो भी लेने के इच्छुक हों इस ग्रेडर को आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारियां आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी।